हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज नोटिस करना एक हैरानी की बात होती है, लेकिन ऐसे में घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर के पास तब जाएं जब ब्राउन डिस्चार्ज के साथ पेन, ब्लडी डिस्चार्ज, फॉल्स स्मेल या फिर इचिंग अकम्प्लिश हो रही हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी एस्पेक्ट पर डिटेल में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुकी हैं या नन्ही सी जान को जन्म दे चुकी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ और बहुत कुछ है। व्हाट इज अ ब्राउन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लगभग 20% महिलाएं इसे एक्सपीरियंस करती हैं। ब्राउन डिस्चार्ज का मतलब रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से एक्सपेल होता है। बेसिकली ये ओल्ड ब्लड होता है जो कंसेप्शन के बाद यूट्रस से पुश आउट होता है। ये प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर 37th वीक तक रहता है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आप आसानी से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मिसकैरेज का डिफरेंस समझ सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्राउन डिस्चार्ज के डिफरेंट टाइप्स और कलर्स होते हैं, जैसे कि येलोइश ब्राउन, यीस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइटिश ब्राउन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और STDs, वॉटरी ब्राउन, मोलर प्रेगनेंसी, पिंकिश ब्राउन, सर्वाइकल इरिटेशन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी और मिसकैरेज, ब्लैकिश ब्राउन, मिसकैरेज, इन्फेक्शन ऑफ वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स, डार्क ब्राउन, अर्ली स्टेजेस ऑफ मिसकैरेज और एन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, थिक ब्राउनिश, यीस्ट इन्फेक्शन। ब्राउन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज का मतलब एक इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लेबर होता है। ये ड्यू डेट या डिलीवरी से कुछ ही वीक्स पहले होता है, जब म्यूकस प्लग ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये ब्लीडिंग के साथ हो जाए, तो इसका मतलब चांसेस ऑफ मिसकैरेज काफी हाई है। ये कई रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब फर्टिलाइज्ड एग ट्रैवल होकर यूट्रस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ओव्यूलेशन के 6 डेज के बाद से लेकर प्रेगनेंसी के फर्स्ट फ्यू वीक्स तक होती है। हालांकि मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद होता है, और इसीलिए ज्यादातर महिलाएं लाइट और लेट पीरियड्स में कंफ्यूज हो जाती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स ब्लड से बाहर जाता है और सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर इंट्रूसिव मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पेन और ब्राउन डिस्चार्ज होता है। सर्विकल पॉलिप्स। ये हार्मलेस ग्रोथ सर्विक्स के अंदर होती है। जब सर्वाइकल टिश्यू की वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, तो कई बार ब्लीडिंग सर्वाइकल पॉली से होती है। जब इसे सब ब्राउन डिस्चार्ज समझ लेते हैं, तो और कंफ्यूजन हो जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, ज्यादातर फेलोपियन ट्यूब्स में, तब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। ये सीरियस कंडीशन है, और इससे प्रेग्नेंट महिला को डिजीनेस, ओकेजनल फेंटिंग और पेन ऑन द अदर साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेल्विस भी हो सकता है। मिस्ड अबॉर्शन। जब 4 वीक्स तक प्रेगनेंसी डेवलप होनी बंद हो जाती है, लेकिन फीटल टिश्यू यूट्रस से एक्सपेल्ड नहीं हो पाता, तब ब्राउन डिस्चार्ज में से फॉल्स स्मेल आने लग जाती है। ये मिस्ड अबॉर्शन का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एब्डोमिनल प्लेसेंटा। कई प्लेसेंटल कंडीशंस और एब्नॉर्मलिटीज, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन के कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया में सर्विक्स की ओपनिंग प्लेसेंटा को से कवर हो जाती है, जिसके कारण ब्राउन डिस्चार्ज होता है, लेकिन कोई पेन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेसेंटा एब्रप्शन में यूट्रस प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण पेन और ब्राउन डिस्चार्ज दोनों ही होता है। जेनिटल HPV। बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा अधिक होने से ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है। हाउ टू रिड्यूस ब्राउन डिस्चार्ज व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करते हैं, तो ब्राउन डिस्चार्ज के चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। डोंट एक्सरसाइज टू मच। हालांकि हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डोंट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ऐसे दौर में सुपरवुमन ना बने और हैवी चीजों को उठाने के लिए बिल्कुल भी ना भागे, और किसी और से मदद मांगना सही समझे। मॉनिटर योरसेल्फ।
कोई भी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स और रिकमेंडेड स्कैन्स टेस्ट को स्किप ना करें। अपने स्मार्टफोन्स में रिमाइंडर सेट कर ले या फिर कैलेंडर पर मार्क कर ले। ऐसे टाइम में किसी भी प्रॉब्लम का टाइमली सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एलिवेट योर फीट, कुछ देर के लिए अपने पैरों को उठाकर थोड़ा एलिवेट करके लेट जाएं। ऐसा करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ब्राउन डिस्चार्ज का रिस्क भी कम हो जाता है। टेक मेडिकेशन, कुछ महिलाओं को मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर्स इसे ट्रीट करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इस दौरान सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ट्राई ना करें। टेक इट ईजी, कभी भी किसी प्रकार का भी वर्कलोड ना लें। हर हालत में अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री रहें और फ्यूचर के टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें। व्हेन इट बिकम्स अ कॉज फॉर कंसर्न, वाटरी डिस्चार्ज, डिस्कम्फर्ट, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज, फीवर अलोंग विद डिस्चार्ज, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिस्चार्ज, सिवियर पेन विद डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।